हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट एनालिसिस। आज हमारे सामने हैं मिस्टर वरुण शेट्टी, जो कि क्वांट्स से अपने सीनियर ट्रेनर हैं। इसके अलावा 5000 से ज्यादा रिटेल ट्रेडर को उन्होंने ट्रेन किया है। तो जैसे कि हमने आपसे बात करी थी और आपको बताया था कि हम एक सीरीज लेकर आएंगे ऑप्शंस के ऊपर, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में, ग्रीक्स के बारे में, और क्या क्या प्रॉब्लम रिटेल ट्रेडर फेसिस करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इसके साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी आज की वीडियो में हम देना चाहेंगे। तो वेलकम करते हैं मिस्टर वरुण शेट्टी को और इनसे जानेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि कितने तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो रिटेल ट्रेडर फेस करता है जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और जहां तक आपका क्वेश्चन है, बहुत से मिस्टेक्स होते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स नॉर्मली यू नो यूज करते हैं, और जो भी टेक्निक्स वो यूज करते हैं नॉर्मली कभी कभी उतनी रिफाइंड नहीं होती। तो उनको रिफाइन करने के लिए हमें फर्स्ट थिंग तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ, जब भी आप किसी भी चीज को एनालाइज करो, लेट्स से आप टेक्निकल डेटा देख रहे हो या डेरिवेटिव डेटा देख रहे हो, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि कंबाइन कीजिए उनको, राइट? एंड कंबाइन करके आप ज्यादा कॉन्फिडेंस ला पाओगे फर्स्टली, एंड ओवरऑल आपका व्यू सही जाने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक्स अगर मैं बोलूँ तो ओटीएम स्ट्राइक सिलेक्ट करना, राइट? एकदम फार ओटीएम स्ट्राइक सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्टली उसमें प्रीमियम कम होता है, राइट? सेकंड चीज, सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालिसिस पे रिलाई करना, राइट? सो चार्ट एनालिसिस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा यू नो स्किल है, तो काफी लोगों के पास होता है, बट उसके साथ अगर आप थोड़ा डेरिवेटिव भी पेयर कर लो, लेट्स से थोड़ा अगर आप बिल्टअप डेटा देख लो फॉर पोजिशनल एनालिसिस, लेट्स से अगर आप थोड़ा ऑप्शन चेन डेटा देख लो फॉर यू नो इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, जिसमें हम पीसीआर भी कभी कभी देख पाते हैं, राइट? तो अगर उनको भी आप पेयर करो ना, तो ओवरऑल एक डायरेक्शनल बायस बहुत अच्छा बन जाता है उनका। और ओवरऑल अभी करंट सिनेरियो देख रहे हो, मार्केट काफी ट्रेंडिंग है, तो अपॉर्चुनिटीज काफी है एक ऑप्शन बायर के लिए पैसा बनाने के लिए। तो डेफिनेटली इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ, जितना हो सके उतना ज्यादा आप अपॉर्चुनिटी ट्रेडर बनिए, और एक ऐसा नैरो फील्ड ऑफ व्यू मत रखिए कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा या मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करूंगा। तो कीप अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, राइट? स्टॉक्स में भी कभी ट्रेड करना प्रेफर कीजिए, अगर आपके पास यू नो उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है तो स्टार्ट में ही ओटीएम ऑप्शंस की तरफ मत जाइए। चाहिए तो एक लॉट से आप एटीएम में शुरू कीजिए या वन स्ट्राइक इन द मनी में सेलेक्ट कीजिए, और मेनली एक्सपायरी के दिन पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो एटीएम के नियर बाय स्ट्राइक्स पर ही फोकस कीजिए। So, ये मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ, ये कुछ बिगिनर टिप्स है जो मैं नॉर्मली लोगों को बताता हूँ, जो कॉमन मिस्टेक्स है उनके वो रेक्टिफाई कर देते हो। देखिए, अभी मैंने ज्यादातर ट्रेडर्स से बात करी है, वो कहते हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो काम करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूँ। क्या ये सही है कि ऑप्शन चेन का डेटा देख के आप ट्रेड बना सकते हैं अपना? ये एक हद तक सही है कि हाँ, ऑप्शन चेन को देखकर आप ट्रेड्स बना सकते हो, बट मैं नॉर्मली एक टूल के बेसिस पर या एक डेटा पॉइंट के बेसिस पर ट्रेड बनाने में बिलीव नहीं करता, राइट? मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप उसके साथ थोड़ा और, जैसे फ्रीली अवेलेबल टूल्स काफी सारे हैं, ट्रेडिंग व्यू हो गया, या फिर या लेट्स से हमारा ही एप्लीकेशन है जिसमें ऑप्शन चेन आपको फ्री में मिलता है, और उसके साथ काफी एनएससी का भी ऑप्शन चेन है अगर आपको वो प्रेफरेंस है, तो डेफिनेटली आप थोड़े बहुत डेटा पॉइंट्स को पेयर कीजिए उसके साथ एक साथ, और उनके बेसिस पे आप ट्रेड्स बनाइए। इवन अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अगर आप कुछ यूज कर रहे हो, लेट्स से मेजरली मैंने देखा लोगों को मूविंग एवरेजेस यूज करते हुए या सुपर ट्रेंड यूज करते हुए या आरएसआई यूज करते हुए, तो उनके साथ अगर आप पेयर कर सको ना, लेट्स से ओपन इंटरेस्ट डेटा को आप चार्ट्स के साथ पेयर कर सको, या लेट्स से कुछ अगर आप देखना चाहते हो फॉर एग्जांपल बिल्टअप डेटा, फ्यूचर्स का भी डेटा अगर आप कंबाइन कर रहे हो ऑप्शंस के साथ, तो ओवरऑल एक काफी अच्छा डिजाइन बन जाता है, आपका ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है। और उसके साथ मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेकमेंड करता हूँ कि ग्रीक्स को थोड़ा एनालाइज करना शुरू कीजिए। जो प्राइमरी ग्रीक्स है, एक डेल्टा है, फिर वेगा है, फिर थीटा है और गामा है, ये चार प्राइमरी ग्रीक्स हम बोलते हैं। अगर ये चार ग्रीक्स को अगर आप थोड़ा एनालाइज कर लो ना, तो आपका स्ट्राइक सिलेक्शन काफी अच्छा हो जाता है, जिसके बेसिस पे आपका आरओआई काफी अच्छा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर आप स्ट्राइक सिलेक्शन प्रॉपर करो, तो सेम व्यू में होकर भी कोई दूसरा ट्रेडर आपसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, तो वही आती है स्ट्राइक सिलेक्शन की बात। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप ग्रीक्स का भी थोड़ा डेटा पेयर करो उसके साथ, तो ओवरऑल एक काफी अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बन जाता है और सेटअप भी प्रॉपर बन जाएगा। देखिए, आने वाले हम सेशंस में वरुण जी से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, ग्रीक्स को कैसे चेक किया जाता है, बिल्डअप की जो बात करी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम ये सारी चीजें हम हर पॉइंट्स को हम कवर करेंगे अलग अलग वीडियो के साथ। तो अभी मेरा क्वेश्चन वरुण जी आपके साथ ये है कि मैंने कई रिटेल ट्रेडर से बात करी और मैंने कई लोगों को देखा और कई लोगों के पेपर फोन भी आते हैं, और उनका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो ये है कि वो डायरेक्टली नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं। नेकेड ऑप्शन बाय करना देखो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, बट मैंने कहीं में देखा है कि वो टेक्निकल चार्ट पे कुछ इस तरीके के इंडिकेटर लगा लेते हैं कि वहां पे अगर उनको ब्रेकआउट मिल जाता है तो वो वहां पे कॉल बाय कर लेते हैं, जब उनको ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो वो पुट बाय कर लेते हैं। तो इस केस में वो एक गलती कर देते हैं कि जैसे वीकली एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं या फिर आप
मंथली एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं। देखो इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स है वो वीकली एक्सपायरी पे ज्यादा हो गए हैं। वीकली एक्सपायरी पे लोग ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, सोचते कम टाइम पे ज्यादा पैसा बन जाए। क्या ये सही है? और वो एक गलती और करते हैं कि वो बेसिकली वीकली एक्सपायरी में जीरो होने का वेट करते हैं अपनी जो पोजिशन होती है, या तो आप स्टॉपलॉस लगा के काम करिए। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय भी कर रहे हैं तो स्टॉपलॉस लगा सकते हैं, बट मैंने कई लोगों को देखा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे वो डायरेक्टली नेकेड कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं और उसमें कोई स्टॉपलॉस नहीं लगाते। इस पे आपका क्या कहना है? वो तो बहुत ही गलत है, बिकॉज अगर आप नॉर्मली नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस इज अ मस्ट हैव। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगा रहे हो तो इट्स लाइक आप आग से खेल रहे हो। तो मैं वही रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, फर्स्ट चीज। सेकंड बात, जहां तक यू नो वॉल्यूम्स की आती है वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करने की, तो नेकेड ऑप्शन अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर कर रहे हो एक हद तक काफी अच्छा है वो, बिकॉज अगर आप इंट्राडे व्यू बना रहे हो तो थीटा का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर, राइट, इंट्राडे बेसिस पे। बट लेट्स से काफी लोग मैंने देखा है वीकली एक्सपायरीज में पोजिशनल ट्रेड्स करने जाते हैं, तो उनके लिए बस एक ही यू नो मेरा एक सजेशन होगा कि हमेशा स्प्रेड बनाइए, राइट। सो हमेशा बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड ऐसा कुछ लगाइए। सो कैसा है, आप उसमें एक एटीएम ऑप्शन बाय कर लेते हो और एक थोड़ा फायर ओटीएम ऑप्शन आप सेल कर लेते हो, तो कैसा है जो थीटा का इफेक्ट होता है ना वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो भले उसमें थोड़ा मार्जिन आपको ज्यादा लगेगा उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट ओवरऑल जो ट्रेड रहेगा उसमें रिवॉर्ड टू रिस्क आपका बढ़ जाएगा, बिकॉज जो थीटा का इफेक्ट है उसको आप निगेट कर रहे हो, राइट। और प्लस उसमें अगर यू नो अगर आप देखते हो एक तरफ से कि गैप अप गैप डाउन रिस्क तो अभी होता ही है, वो तो हर कोई यू नो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उस चीज को, बट जो थीटा की वजह से आपका प्रीमियम कम होते जाता है ना ओवरऑल एक एक दिन रुक कर, वो आप इजिली कम कर सकते हो उस बेसिस पे। तो इसीलिए मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ कि आप स्प्रेड बनाइए अगर आप वीकली ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो। और जहां तक एक्सपायरी के दिन के ऑप्शन की बात आती है कि एक्सपायरी डे पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है वहां पर, तो वहां पर हमेशा एक यू नो गामा पर नजर रखिए कि गामा कौन से ऑप्शंस में बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा उसी के बेसिस पे यू नो डिफाइन होता है, और उसी के बेसिस पे आपका ऑप्शन जीरो से हीरो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पर। तो अगर आपको जीरो से हीरो ऑप्शंस कैच करने हैं तो द बेस्ट बेट इज के एटीएम के नियर बाय जो स्ट्राइक है, लेट्स से वन स्ट्राइक ओटीएम या टू स्ट्राइक ओटीएम, वहां पर आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। तो जीरो से हीरो ट्रेड नहीं होगा वो, बट एक काफी अच्छा आपका रिटर्न बन जाएगा उसके अंदर। तो वही है बेसिकली। देखिए अभी मैं ज्यादातर लोगों से बात करता हूँ तो वो ऑप्शंस पे तो बाय करते हैं, बट उनके ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, चाहे ऑप्शन माइंग कर रहे हैं चाहे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर उनसे ग्रीक्स के बारे में पूछा जाए तो ग्रीक्स की उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ पे वो स्ट्राइक प्राइस चेंज करते हैं। ऑप्शन चेन का वो यूज सिर्फ स्ट्राइक प्राइस और उसका प्रीमियम क्या है उसको जानने के लिए यूज कर रहे हैं बस, और उसके हिसाब से वो अपने ट्रेड बना लेते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऑप्शन में उस ग्रीक्स का क्या इम्पैक्ट है, और ग्रीक्स क्या हमें हमें समझ के ही ट्रेड करना चाहिए विदाउट ग्रीक्स, हमें विदाउट ग्रीक्स की नॉलेज के बिना क्या हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सो ग्रीक्स के नॉलेज के बिना बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट जो चार प्राइमरी ग्रीक्स है उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इवन अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं पता कि क्या करते हैं वो ग्रीक्स, उनके इम्प्लीकेशंस पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ क्विक पॉइंटर्स दूं तो डेल्टा जो एटीएम का डेल्टा होता है वो हमेशा 0.5 होता है, राइट। उससे जब इन द मनी जाते हो तब उसका डेल्टा बढ़ते जाता है, मतलब अगर निफ्टी ₹1 से बढ़ रहा है और आपका डेल्टा 0.5 है तो आपका प्रीमियम 50 पैसे से बढ़ेगा कॉल ऑप्शन का। तो वो जो इम्पैक्ट होता है ना वो आपको पता होना चाहिए कि इन द मनी का डेल्टा ज्यादा होता है, ओटीएम का डेल्टा कम होता है। तो भले आपको ओटीएम का ऑप्शन सस्ते में मिलेगा, चीपर कॉस्ट में मिलेगा, बट उसका चेंज इन द मनी आने के चांसेस उसके थोड़े कम रहते हैं, तो इसीलिए उसका जो डेल्टा है वो कम होता है और उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम है ना वो भी कम होता है, राइट। सो इसीलिए मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ अगर आप ट्रेड्स बना रहे हो तो थोड़ा एटीएम या एक स्ट्राइक इन द मनी की तरफ आप देख सकते हो, राइट। सेकेंडली जहां तक वेगा की बात आती है, तो वेगा बेसिकली आपको बताता है कि अगर परसेंटेज चेंज आता है आईवी के अंदर तो आपका प्रीमियम कितने से बढ़ता है या कम होता है, तो उस पर भी आपको नजर रखनी पड़ती है, बिकॉज कभी कभी अचानक से आईवीज अगर बढ़ गए तो डेफिनेटली वो काफी अपॉर्चुनिटी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ऑप्शन बायर्स के लिए, राइट। फिर थीटा, तो थीटा सभी को पता है, थीटा मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट थीटा हमेशा एक्सपायरी के दिन पर आप ध्यान रखिए कि थीटा थोड़ा यू नो ज्यादा एक्सप्लोड होने लगता है। तो थीटा अगर उस पॉइंट पर अगर आप मॉनिटर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके जो एग्जिट्स है वो आप थोड़े प्रॉपरली ले पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गामा होता है, तो गामा का भी आपको यू नो फॉर्मूला को जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि गामा एक्सपायरी के एक दो दिन पहले बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और गामा डायरेक्टली आपके डेल्टा पर इफेक्ट करता है। कि अगर गामा बेसिकली क्या है कि अगर निफ्टी आपका ₹1 से बढ़ रहा है, ₹1 से कम हो रहा है, तो आपका डेल्टा कितने से बढ़ेगा या कम होगा वो आपको डायरेक्टली पता है, विच कैन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर प्रीमियम। तो इसीलिए कहीं पर अगर गामा अचानक से एक्सप्लोड हो रहा है तो वहां पर उस ऑप्शन को बाय करना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो अभी नॉर्मली कैसा है, हर कोई तो हर एक ऑप्शन का गामा नहीं देख पाएगा कि कहां पर गामा बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैंने एक बेसिक यू नो आइडिया लगाया है कि जहां पर एटीएम के आसपास जो स्ट्राइक्स है उनमें सबसे ज्यादा गामा का इफेक्ट होता है। तो मैं इसीलिए वही रेकमेंड करता हूँ कि वन स्ट्राइक
एक्सपायरी के दिन पे वन स्ट्राइक इन द मनी ट्रेड कीजिए, वहां पे गामा एक्सप्लोजन कैच करने के चांसेस इनहेरेंटली ज्यादा होते हैं। तो आपको खुद से ना देखने नहीं पड़ते, हर एक ऑप्शन का गामा आपको ट्रैक नहीं रखना पड़ता, किसी ना किसी एक्सपायरी में आपको उस ऑप्शन में काफी अच्छा रिटर्न आ जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज सबसे एक अच्छी सी चीज लोग मिस कर देते हैं कि लोग स्पॉट प्राइस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में थोड़ा हमेशा डिफरेंस रहता है, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं ना, जो एटीएम ऑप्शन बोलते हैं और ऑप्शन का जो डेल्टा हम पकड़ते हैं, वो हमेशा फ्यूचर प्राइस के ऊपर से डिराइव होता है। बिकॉज फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला काफी लोगों को पता नहीं है, इट्स बेसिकली स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ रिस्क फ्री रेट माइनस डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू एक्सपायरी। तो वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फॉर्मेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, और ऑप्शंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि अगर आप मंथली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर्स प्राइस के बेसिस पे जाइए, और अगर आप वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाइए, राइट। सो हमारे ऐप में सिंथेटिक फ्यूचर्स का डेटा फ्रीली अवेलेबल है, काफी सारे साइट पर अवेलेबल है मेनली। और उसमें क्या होता है, अगर फ्यूचर्स का वीकली एक्सपायरी होता तो उसकी क्या वैल्यू होती वो कैलकुलेट करके काफी लोग बताते हैं। तो इसीलिए वीकली ऑप्शंस के लिए आई रेकमेंड कि सिंथेटिक फ्यूचर्स के बेसिस पे ट्रेड कीजिए, वहां पर आपका जो डेल्टा वैल्यू होगा वो बहुत ही एक्यूरेट हो जाएगा। स्पॉट के बेसिस पे उतना एक्यूरेट डेल्टा वैल्यू नहीं मिलता, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है नॉर्मली सारे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। देखिए आने वाले सेशंस में हम ग्रीक्स के बारे में भी बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे, बट मैं वरुण जी आपसे जानना चाहता हूँ एक चीज की, मैं अगर आप ज्यादातर डिटेल ट्रेडर से मिलते हैं या फिर आप काफी ऑप्शंस ऑप्शन सेलर हो चाहे ऑप्शन बायर हो जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, ऐसा क्या रीजन है कि वो बिना ग्रीक्स को समझे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं? ऐसा क्या ग्रीक्स का हुआ है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा, क्या ग्रीक्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि आम आदमी को समझ में नहीं आ पाता, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सो ग्रीक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट मैं नॉर्मली क्या रेकमेंड करता हूँ उसके लिए, इट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस कहीं पर भी अगर आप मेनली किसी भी लेट्स से किसी भी ऑनलाइन आर्टिकल देख लो या कहीं पर भी लेट्स से यूट्यूब का ही कोई चैनल देख लो, काफी सारे लोग ग्रीक को कवर नहीं करते, ग्रीक्स को बहुत ही कम एक्सपोजर मिलता है मेरे हिसाब से। तो भी क्योंकि मैं नॉर्मली जहां पर भी जाता हूँ, कोई भी लेट्स से किसी भी वर्कशॉप में अगर मैं विजिट करता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ, लोगों को ग्रीक्स के बारे में पता ही नहीं होता, बिकॉज कोई स्पीकर या कोई भी जो एक्सपीरियंस पर्सन है इंडिविजुअल है वो कभी ग्रीक्स के बारे में बात करता ही नहीं। तो मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूँ कि अगर थोड़ा अवेयरनेस अगर हम बढ़ा पाए उस बेसिस पे, क्योंकि ग्रीक्स को समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, एटलीस्ट जो इम्प्लीकेशन है ग्रीक्स के उनको समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मे बी हाँ कैलकुलेशन थोड़े डिफिकल्ट है, उसके फॉर्मुलाज दिमाग में रखना डिफिकल्ट है, बट वो प्रैक्टिकली काम नहीं आते। तो इसीलिए जो इम्प्लीकेशन है वो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रीच करता हूँ लोगों के, जो इम्प्लीकेशन है उनको आप अप्लाई कीजिए। तो कैसा, एटलीस्ट हाँ माना कि अभी आप बिना ग्रीक्स के पैसा बना रहे, बट ग्रीक्स को फॉलो करके क्या आप और ज्यादा पैसा बना पाओगे? द आंसर इज येस, हाँ बना पाओगे, और इवन आपके रिस्क को भी आप निगेट कर पाते हो उसे। तो मैं नॉर्मली ज्यादा प्रॉफिट्स के पीछे भागने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास जो पैसा है वो आप बचाइए। तो वो कैसे आएगा, ग्रीक्स को समझकर और रिस्क को कम कर। तो इसीलिए वही लैक ऑफ अवेयरनेस को हटाने के लिए हम ऐसे सारे लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, और इसीलिए ये सेशन भी आपने अरेंज किया, तो दैट्स क्वाइट गुड सर। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा रिटेल ट्रेडर से भी कि जितने भी लोग ये वीडियोस को देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रीक्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँ वरुण शेट्टी जी के साथ, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करिएगा। हमारी आने वाली वीडियोस में आपको जैसे ऑप्शन चेन के बारे में हम डिटेल में बताएंगे, इसके साथ साथ ग्रीक्स को भी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि ग्रीक्स को समझ के भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। तो अब एक क्वेश्चन है वरुण जी आपके लिए, काफी रिटेल ट्रेडर भी इसको जानना चाहते हैं। एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मान लो उसके पास 10 से 15 हज़ार रुपये, मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरे पास 10 से 15 हज़ार रुपये ही है बस, अब मैं ऑप्शंस में काम करना चाहता हूं, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं? सो अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से आपको एकदम लिमिटेड कैपिटल डिप्लॉय करना है, लेट्स से आप बिगिनर, तो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूं फर्स्टली एनालिसिस कीजिए थोड़ा, राइट। मार्केट में डायरेक्टली जंप इन मत कीजिए, एनालिसिस कीजिए फर्स्टली, और देखिए कितनी बार आपका व्यू सही जा रहा है, बिकॉज मार्केट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग जहां पर आप खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और ऑप्शंस मार्केट तो बहुत ही नॉन लीनियर और डायनामिक होता है, तो उसमें सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन पे बेट करना इज नॉट ऑलवेज द आंसर, राइट। सो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप पहले ऑप्शन चेन देखिए, पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस पहले सीखिए, चार्ट एनालिसिस थोड़ा सीख लीजिए, मे बी कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होंगे। तो ऑलवेज जो भी नॉलेज है बैक पॉकेट में रखना इज वेरी गुड, बिकॉज कभी कौन सा नॉलेज काम आ जाए हमें भी पता नहीं। उसके बेसिस पे मैं रेकमेंड करता हूँ कि थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, बिकॉज पेपर ट्रेडिंग टूल सब जगह पर अवेलेबल है, पेपर ट्रेडिंग थोड़ा करिए, और पेपर ट्रेडिंग के साथ आपका स्ट्राइक रेट एटलीस्ट फॉर अ मंथ आप अपना स्ट्राइक रेट देखिए कि क्या स्ट्राइक रेट आ रहा है। अगर आपका स्ट्राइक रेट प्रॉफिटेबल आ रहा है तो आप डेफिनेटली एक लॉट दो लॉट आप डिप्लॉय कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा है प्रॉफिटेबल कीप वर्किंग ऑन इट। बिकॉज मैं नॉर्मली सबसे बेस्ट एडवाइस मैं ये देता हूँ कि बिना आधा नॉलेज लेकर मार्केट में घुसना इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज ऑल्सो स्टूपिड मेरे हिसाब से।
तो इसीलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए खुद से पेपर ट्रेड्स, यू नो अगर आप करो तो दैट्स अ वेरी गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि आपका एनालिसिस कितना सही जा रहा है, आपके ट्रेड सेटअप्स कितने अच्छे चल रहे हैं, और फिर आप जो भी कैपिटल आप डिप्लॉय कर सकते हो तो कैसे आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद 10,000-15,000 आप डायरेक्टली जाकर एक्स्ट्रा कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो वहां पर। और स्पेशली अगर आपको ग्रीस का थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है उसके बेसिस पे और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको थोड़ा आ जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। अगर आप कम कैपिटल में, ऑफ कोर्स अगर आप कम कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी एकदम ज्यादा नहीं है मार्केट से, तो दैट इज मोर देन इनफ कि अगर आपको ऑप्शन चेन में ग्रीस का और ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस आ जाए और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन आ जाए तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ बिगिनर। फिर वहां से आप अपने स्किल्स को बिल्डअप कर पाते हो आगे आगे करके, तो मे बी आप और थोड़े एडवांस फीचर्स जानोगे और थोड़े एडवांस आप यू नो मार्केट के टेक्निक से उनको जान पाओगे कि हाउ टू कैच गामा ऑन एक्सपायरी, तो वो सारी चीजें आप धीरे धीरे जान पाओगे। तो ये मेरा बेस्ट यू नो ओपिनियन यही होता है कि डायरेक्ट डोंट रश इन, टेक योर टाइम, आपका स्ट्राइक रेट पहले एनालाइज कीजिए फिर आप पैसा डालिए मार्केट में, क्योंकि एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रिलाई करके ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आपको सारी चीजें सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसा आपने गीक्स के बारे में बताया, इसके अलावा भी आपने काफी जानकारी दी गामा के बारे में बताया, तो मैं चाहूंगा कि रिटेल ट्रेडर इसको समझे और कमेंट पे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ग्रीक्स के ऊपर भी वीडियोस आएंगी और आने वाले अभी हमारे काफी सेशंस आने वाले हैं जिसमें हम ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। तो एक वरुण जी क्वेश्चन है और रिटेल ट्रेडर भी बड़ा जानना चाहते हैं इनसे, और मार्केट में दो ग्रुप बने हुए हैं, एक है ऑप्शन बायर का, एक ऑप्शन सेलर का। एक कहता है जी ऑप्शन बायर ज्यादा पैसा कमाता है, एक कहता है जी ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा बनाता है। एक होते जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो कहते हैं जी ऑप्शन बायर बेवकूफ होते हैं, ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बायर कहता है कि भाई ऑप्शन सेलर को ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। और जैसे अगर टाइम अभी बढ़ने वाला है, जैसे कि अभी कंफर्मेशन नहीं आई है उसकी, अप्रूवल आया बस, तो अगर जब टाइम बढ़ेगा तो उसमें ऑप्शन बायर को ज्यादा बेनिफिट होगा या फिर ऑप्शन सेलर को होगा? सो मेरे हिसाब से तो दोनों की व्यूज गलत है, राइट? सो इनहेरेंटली हर कोई बोलता है कि हाँ ऑप्शन सेलर को ज्यादा पैसा बनाने के चांसेस है, बिकॉज कैसा है इनहेरेंट स्ट्राइक रेट जो होता है ऑप्शन सेलर का ज्यादा होता है। बिकॉज लेट्स से अगर मैं जस्ट यू नो ब्लाइंडली जाकर मैं सिर्फ एक ऑप्शन सेल करूँ, लेट्स से कॉल ऑप्शन में एटीएम का सेल करूँ, मार्केट तीन डायरेक्शन में मूव करता है, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश और एक होता है साइडवेज। तो इनहेरेंटली मुझे तीन में से दो सिनेरियो में प्रॉफिट हो सकता है, अगर मार्केट वहीं का वहीं रहा तो मुझे प्रॉफिट है, अगर मार्केट नीचे गिरा तो भी मुझे प्रॉफिट है, मार्केट ऊपर गया तो मुझे लॉस है। बट काफी लोग ये नहीं सोचते कि वहां पर अगर मार्केट ऊपर गया, अगर मेरा व्यू गलत हुआ तो मुझे अनलिमिटेड लॉस है। Whereas option buyer भले ही वो एक ही सिनेरियो में पैसा कमा रहा है, बट स्टिल अगर उसका व्यू सही होता है तो अनलिमिटेड पैसे कमा सकता है। तो वो चीज लोग ध्यान में नहीं रखते, जो ROI होता है या फिर let's say reward risk बोल सकते हैं वो buyer के पास हमेशा ज्यादा होता है, because seller हमेशा ज्यादा मार्जिन देकर सिर्फ प्रीमियम घर पर लेकर जाता है, right? So वो जो है ना वो आपको हमेशा बैलेंस करने आना चाहिए कि कौन से मार्केट में मैंने बाइंग करना चाहिए, कौन से मार्केट में मैंने सेलिंग करना चाहिए, राइट? तो अभी ओवरऑल जो है, मैं काफी लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट ओवरऑल बायर्स की तरफ फेवरेबल है, बिकॉज आईवी एकदम बॉटम एंड पर चल रहे हैं तो प्रीमियम्स काफी सस्ते हो रखे, प्लस मार्केट भी ट्रेंडिंग है तो करंटली बाइंग मेक सेंस। बट अगर कल को मार्केट में आईवी अचानक से बढ़ जाते हैं, राइट, या मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगे तो वहां पे सेलर बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, राइट? सो ये दिमाग में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक ओपन माइंड रखू मैं सिर्फ बाइंग या सेलिंग नहीं करूं, मुझे जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर मैं यू नो ट्रेड करूंगा, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर, ट्रेडर मीन्स एन अपॉर्चुनिटी बेसिकली। तो अपॉर्चुनिटी जहां मिलती है वहां पर आपको ट्रेड बनाना है बेसिकली। और वहां पर भी अगर मैं बोलूं कि टाइम बढ़ने वाला, आपका काफी अच्छा क्वेश्चन था कि जब टाइम बढ़ेगा तो कौन पैसा बनाएगा, तो मेरे हिसाब से तो उस पॉइंट पे दोनों ही पैसा कमा सकते हैं, बट आई एम मोर फोकस्ड ऑन बायर्स बिकॉज इंट्राडे ऑप्शन बायर्स बहुत ज्यादा है ओवरऑल अगर आप देखो, और बैंक निफ्टी मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स है बेसिकली पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें जो जो हद तक ऑप्शन बाइंग होगी वो तो डेफिनेटली यू नो इट विल बी अनइमेजिनेबल कि कितने लोग वहां पर आकर पैसा बनाएंगे भी और काफी लोग पैसा गवाएंगे भी। बिकॉज अगर साइडवेज मार्केट चला गया और उतना दिन आपको यू नो उतना पूरी एक्स्ट्रा टाइम तक आपको एक्स्ट्रा साइडवेज मार्केट मिल गया तो वहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलना है। तो दैट मेक्स सेंस कि दोनों तरफ से पैसा बनाने के चांसेस है, बट ओवरऑल ऑप्शन बायर ज्यादा पैसा बनाएंगे बिकॉज उसमें उनको डायरेक्शनल बायस का ज्यादा फायदा, राइट? और उसमें भी अगर एक्सपायरी आ गई, उतनी लंबी वाली एक्सपायरी आ गई, तो डेफिनेटली उसमें गामा एक्सप्लोजन तो बहुत ही पैसा देगा लोगों को, तो दैट मेक्स मोर सेंस। इस वजह से अभी ऑप्शन बायर की चांदी होने वाली है, क्योंकि अभी ये बात भी कई लोगों को पता नहीं है, काफी मेरे वैसे भी सवाल हुए जो ऑप्शन बायर हैं कि टाइम बढ़ने वाला है, अब क्या होगा अब क्या होगा, तुमको मैं समझा रहा हूँ कि अभी को बेनिफिट होने वाला है उसका, तो ये चीजों के बारे में काफी लोगों को नहीं पता है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम आने वाले सेशन में ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। अब एक वरुण जी मेरा क्वेश्चन है कि अभी सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, जैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो हम कॉमेंट्स पढ़ते हैं अपने,
तो कमेंट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एक्सपायरी से एक दिन पहले लोगों का कि भाई कल हीरो टू जीरो, जीरो टू हीरो कौन सा होने वाला है, जीरो टू हीरो की बातें हो रही है क्योंकि अभी है ना ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुका है। जैसे यूट्यूब पे हम बात करेंगे, देखो तो अभी पहले के टाइम पे क्या था, जैसे मैं 2008 से मार्केट में हूँ और 2011 से टेक्निकल्स पढ़ा रहा हूँ, तो पहले ऑफलाइन मार्केट होता था, पहले हमें नहीं पता होता था क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन हम पढ़ाते थे तो 15, 20, 30, 40 स्टूडेंट्स के बैच होते थे, बस इससे ज्यादा नहीं था। अब यूट्यूब पे जब हम वीडियोस बना रहे हैं तो हर जगह से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, सब लोग हमें सुन रहे हैं। और अब जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, जैसे पहले प्राइस एक्शन था, प्राइस एक्शन पे ज्यादा वीडियोस बनती थी, फिर कोई दूसरा एक माइंडसेट के ऊपर वीडियोस बननी लगी, फिर कोई पर्टिकुलर कोई इंडिकेटर आ गया, क्योंकि एक जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है तो उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब काफी वीडियोस बनती है। अभी का है जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो की बात करते हैं, वीकली ऑप्शन है, वीकली एक्सपायरी वाले दिन आप आइए, ये स्ट्राइक प्राइस चूज करिए, 10 रुपए का प्रीमियम है 100 रुपए हो जाएगा, 10 रुपए का प्रीमियम है 50 रुपए हो जाएगा, पैसा डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। लोग एक्सपायरी वाले डे पे एक्टिव हो जाते हैं एक्सपायरी से एक दिन पहले और अपना कैपिटल लेकर आते हैं और एक एक्सपेक्टेशन में ट्रेड करते हैं कि हमारा पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है बाबू जी? तो जीरो टू हीरो ट्रेड्स मेरे हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट टू कैप्चर है, राइट? बिकॉज जीरो टू हीरो ट्रेड जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं समझा देता हूँ। सो इट इज बेसिकली कि आप एकदम ओटीएम ऑप्शन बाय करो, राइट right? और उसके इन द मनी आने का वेट करो, क्योंकि जैसे ही वो इन द मनी आने लगेगा वैसे उसका डेल्टा वैल्यू बढ़ता रहेगा और वैसे ही उसका प्रीमियम रैपिडली इंक्रीज होता रहेगा। तो वो बेसिक आइडिया है जीरो टू हीरो ट्रेड्स का। अभी जहां तक जीरो टू हीरो ट्रेड्स की बात आती है, अगर टोटली मार्केट पर डिपेंड करता हो कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो डेफिनेटली जीरो टू हीरो ट्रेड करना इज वेरी इजी। बट बहुत से एक्सपायरीज में हमने देखा कि मार्केट साइडवेज चला जाता है या बहुत ही छोटे रेंज में चलता है। उस पॉइंट पर क्या, उस पॉइंट पर लोगों को तो जाकर पैसा गंवाना ही है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, राइट, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट है उसमें तो स्कैल्पिंग करना ही एक तरीका है बेसिकली उसमें पैसा बनाने का। तो उसमें मैं रेकमेंड करता हूँ कि जीरो टू हीरो ट्रेड्स पर मत जाइए, राइट? बिकॉज हमें नहीं पता कब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, कौन से दिन पर, और कौन से दिन पर मार्केट साइडवेज जाएगा। तो जीरो टू हीरो ट्रेड्स मैं नॉर्मली नहीं रेकमेंड करता किसी को भी, कि बहुत ही एक लकी शॉट होता है वो कि अगर कभी बन गया तो आपके पैसे डबल टेबल हो जाएंगे, राइट? वरना फिर आप पूरा पैसा गवा दोगे। तो इट मेक सेंस कि आप एटीएम में स्कैल्पिंग करें थोड़ा, राइट? और एटीएम में भी सिमिलर इफेक्ट आ सकता है, भले ही आप प्रीमियम थोड़ा ज्यादा दोगे बट एक यू नो सिमिलर इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी उसका डेल्टा 0.5 के आसपास है और वहां से जैसे वो और इन द मनी जाते रहता है, जैसे गामा का इफेक्ट आता है उसके अंदर, वैसे वो काफी ज्यादा प्रीमियम देगा आपको। और उसमें भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इसमें एक्स्ट्रा लॉट्स नहीं लगा पा रहा हूं मैं, तो स्टार्ट कीजिए एक लॉट से एटीएम पर, फिर जैसे वो इन द मनी आ जाएगा नेक्स्ट जो एटीएम ऑप्शन है उसमें एक और लॉट बाय कर लीजिए। तो पिरामिड ट्रेडिंग बनाते जाइए उसमें, फिर धीरे धीरे करके लेट्स से जब आपका एग्जिट आएगा वैसे सारे पोजिशन आप काट दीजिए, राइट? सो जो फर्स्ट एटीएम ऑप्शन आपने बाय किया था वो काफी डीप इन द मनी चला गया होगा, उसमें तो एक्सपोनेंशियली प्रीमियम आपका बढ़ गया होगा। सेकेंड ऑप्शन का और ज्यादा बढ़ गया होगा, राइट? थर्ड ऑप्शन का थोड़ा और कम बढ़ा होगा। तो उस बेसिस पे आप पिरामिड ट्रेडिंग करते हुए जाओगे और जब आप एग्जिट करोगे तो आपके सारे ऑप्शंस आपको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे। तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जो मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ एक्सपायरी के दिन पर, राइट? बिकॉज स्कैल्पिंग में दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क भी बैलेंस करता है फर्स्टली। सेकंडली आपको एकदम ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना पड़ता उसमें। जैसे मैं फर्स्ट ही ऑप्शन में 10 लॉट बाय कर लूँ, उसके अलावा मैं थोड़ा थोड़ा करके बाय करूँ, बिकॉज कैसे 10 लॉट अगर मैं एक ही यू नो स्ट्राइक पर बाय कर रहा हूँ और अगर वहां मेरा व्यू गलत हो गया तो वहां पर मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। तो इट मेक्स मोर सेंस कि अगर मैं पिरामिड ट्रेडिंग करते हुए जाऊं तो मेरा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, भले मैं यहाँ पैसा थोड़ा कम बनाऊंगा बट एटलीस्ट मैं ओवरऑल पूरा व्यू कैप्चर कर रहा हूँ, पूरा जो भी रैली आ रहा है वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं नॉर्मली वो रेकमेंड करता हूँ लोगों के लिए। और जीरो टू हीरो ट्रेड्स, हाँ ठीक है, काफी यू नो साउंड्स गुड ऑन पेपर बट प्रैक्टिकली जब आप करने जाओगे तो मार्केट एक्सपर्ट्स भी वो करने में फेल हो जाते हैं। तो रिटेल ट्रेडर को बहुत ही कम चांस होता है ऑलरेडी उसमें, तो ऑलरेडी कम पैसा बना रहे हो उसमें, हम जीरो टू हीरो ट्रेड्स अगर हम उससे समझाने जाए तो और भी कम पैसा बनाएगा उससे। तो इट मेक्स मोर सेंस कि वो एटीएम की तरफ थोड़ा ट्रेड बनाए और कैसा है एक लॉन्गर लास्टिंग ट्रेड बनाए, बिकॉज कैसा है एक एवरेज अगर स्टैटिस्टिकली देखो तो एवरेज ऑप्शन ट्रेडर का लाइफ स्पैन अराउंड 6 मंथ्स होता है, कि 6 मंथ्स में वो आता है मार्केट में, 6 मंथ्स में अपना पैसा गवा कर निकल जाता है। तो इसीलिए हमारा वही यू नो मानना है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स है जो, और मेनली ये सारे कोविड के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गए ऑप्शन ट्रेडर्स। तो कोविड के टाइम जो मार्केट सिनेरियो था और अभी जो मार्केट सिनेरियो है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो जो कोविड में जो आप यू नो 920 स्ट्रैडल्स और वो सब लगा रहे थे वो अभी काम नहीं करेगा बिल्कुल भी इस मार्केट में। तो इसीलिए मार्केट जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे हमें भी इवॉल्व होना पड़ता है। पहले मैं पिरामिड ट्रेडिंग नहीं बताता था बट अभी मैं सबको पिरामिड ट्रेडिंग बताता हूँ बिकॉज अभी का सिनेरियो वैसा है। सो दैट इज द रीजन हमें भी धीरे धीरे इवॉल्व होना है। सारे मार्केट एक्सपर्ट्स यही फॉलो करते हैं कि धीरे धीरे करके इवॉल्व करते जाएंगे मार्केट के साथ।
तो इसीलिए ट्रेडर का लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए उसको उसका रिस्क निगेट करना पड़ता है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी है सारे हमारे। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और बदलना बहुत जरूरी है, अगर आप बदले नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। Exactly. यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आज एक्सपायरी है और मैग्निफ्टी का रेट चल रहा है 44,400, और हमें लग रहा है कि यहाँ से 100-200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, तो आप इसमें क्या सजेस्ट करोगे कि हमें जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस, हमें ओटीएम लेना चाहिए, एटीएम लेना चाहिए या फिर आईटीएम लेना चाहिए, और अभी बज रहे हैं 1-2.5 घंटे का मार्केट है, तो आप इसमें क्या सजेस्ट करोगे? तो करंटली अगर लेट्स से आज के दिन एक्सपायरी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100-200 पॉइंट यू नो बैंक निफ्टी मूव मिल सकता है, आई वुड रेकमेंड 1 or 2 स्ट्राइक्स इन द मनी, इन द मनी राइट, 1 or 2 स्ट्राइक्स इन द मनी, एकदम ज्यादा इन द मनी नहीं, बिकॉज में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, 1 strike or 2 स्ट्राइक्स इन द मनी, बिकॉज में ऑलरेडी डेल्टा थोड़ा बड़ा हुआ होता है, राइट, और उसके बाद ओवरऑल और अगर एक्सप्लोजन आ गया उसमें तो इट मेक्स वेरी गुड रिटर्न ऑन दैट। तो इसलिए 1 strike इन द मनी इज माई गो टू, 1 strike or 2 स्ट्राइक, अगर मुझे उतना लग रहा है कि 1 strike इन द मनी जाकर उतना डेल्टा मुझे नहीं मिल रहा तो मैं 2 strike इन द मनी चला जाता हूँ, बट उससे ज्यादा कभी नहीं, 0.6 डेल्टा तक, मतलब राइट 0.6 या पॉइंट यू नो 0.6 0.65 के आसपास तक बिकॉज वहां से जब बढ़ता है तो 0.9 तक डेल्टा चला जाता है, तो वहां पे आपका काफी अच्छा रिवॉर्ड बन जाता है उसमें इसीलिए। राइट राइट, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि ओटीएम से बेटर रहेगा कि आप आईटीएम पे जाइए, 0.65-0.7 डेल्टा तक अगर आप लेते हैं तो बेटर रहेगा, थोड़ा सी मार्केट आपके फेवर में जाता है तो 0.9 डेल्टा हो जाएगा, तो वहां से अगर 100 पॉइंट की जगह 200-300 पॉइंट हो जाता है तो अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे हमने एक बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करा था कुछ 12-13 रुपए का चल रहा था, फिर हमने 13 रुपए पे खरीदा, फिर 20 रुपए गया और खरीदा, 38 रुपए तक खरीदा, और यकीन मानिए वो इंट्राडे में 236 रुपए हो गया था। तो और कुछ हमने कैलकुलेट किया, 2800% का रिटर्न हमें सिंगल डे में हमें देखने को मिला था, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमने ट्रेड किया था, क्लाइंट्स को भी सजेस्ट कर दिया था और लोगों ने पैसा बनाया। ये कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता। अब हुआ क्या, उसके बाद लोगों के मैसेज आने लगे आज क्या होगा, या किसी ने मिस कर दिया, या किसी ने उस वीडियो में देख लिया कि हाँ जी इतना परसेंट रिटर्न है, तो वो उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, इनको मैं बताता कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं है कि हमेशा एक्सपायरी वाले डे में इतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, आइदर अपसाइड या डाउनसाइड, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर ऐसा भी देखा जाता है कि एक्सपायरी वाले डे में मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, तो आप अपना पूरा कैपिटल वहां पे लगा देते हो और वहां पे वॉल्यूम्स नहीं होते, मार्केट कंसोलिडेट होता है, वैल्यू जीरो हो जाती है, फिर आप कहते थे हमें तो लॉस हो गया। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट की सिचुएशन के ऊपर, न्यूज का भी इम्पैक्ट होता है कुछ ना कुछ, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से लोगों को देखनी चाहिए, रिटेल ट्रेडर को, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। बाकी हम जैसे कि मैंने लोगों को बोला है, अपने सब्सक्राइबर को, रिटेल ट्रेडर्स को, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, कि हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं ऑप्शंस के ऊपर, जिसमें हम अभी तो आज की वीडियो में तो हमने एक बेसिक चीजें कवर करी है, उसके बाद हम ऑप्शन चेन, ग्रीक्स, हम कैसे ग्रीक्स को समझ के ट्रेड बना सकते हैं, स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करेंगे, और कौन से फीचर्स हैं जिनका हम यूज करेंगे, जैसे ट्रैप इंडिकेटर है और भी काफी चीजें हमने वहां पे देखी है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वरुण शेट्टी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे छोटे चैनल पे आए और अपने इतना ज्ञान दिया हमारे इस चैनल पे, और मैं आशा करूंगा लोगों से भी कि इनको समझ के वो ट्रेड करें, और हमारी जो आने वाली सीरीज है इसको भी देखिए, हमारे साथ वरुण शेट्टी जी जुड़ेंगे और भी हम ऑप्शन के ऊपर बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये सब जो भी हम करेंगे वो सब होगा लाइव मार्केट में, तो लाइव मार्केट का तो मजा ही अलग होगा, ये लाइव मार्केट को समझ के जब आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होते हैं। तो वरुण जी, आपका फिर से धन्यवाद, और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू मिशी।